हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप एक वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज के डेट में अगर एक वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड की अगर बात आती है तो वहाँ पे अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड डेफिनेटली टॉप 10 क्रेडिट कार्ड में से एक है। क्योंकि जब से ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ और आज तक ये हमेशा ही लोगों को अट्रैक्ट करते हुए आया है, ये हमेशा ही टॉप 10 कार्ड में से एक रहा है। अब इसके क्या फैक्ट्स हो सकते हैं कि जो हमेशा ही लोगों को ये क्रेडिट कार्ड अट्रैक्ट करते हुए आया हुआ है? तो देखिए, सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि आज के डेट में अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड सर्च करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि मुझे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल जाए, ना ही मुझे कोई ज्वाइनिंग फ़ी देना पड़े, ना ही मुझे कोई एनुअल फ़ी देना पड़े। और ये सभी यही चाहता है कि मुझे एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल जाए, साथ में कुछ अच्छे बेनिफिट्स के साथ मुझे क्रेडिट कार्ड मिल जाए। यही सबसे एक बड़ा मेजर फैक्ट है कि इटली आपको ये लाइफ टाइम फ्री आपको क्रेडिट कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड में आपको कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी नहीं देना पड़ेगा, ना ही आपको कोई एनुअल फ़ी देना पड़ेगा। ये लाइफ टाइम आपको फ्री क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। ये कुछ ऐसे भी बेनिफिट्स हैं जिससे लोगों को हमेशा ही ये क्रेडिट कार्ड अट्रैक्ट करता है। तो देख लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिलने वाला है, और साथ में आज मैं इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके भी आपको दिखाने वाला हूँ। और फाइनली ये क्रेडिट कार्ड जो है हमारा अप्रूव हो चुका और हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो डिस्पैच कर दिया गया है। और जैसे ही हमारे पास कार्ड डिलीवर होता है तो उसके लिए मैं स्पेशली आप लोगों के साथ इसका अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर कर दूंगा कि मुझे कितना लिमिट मिला हुआ है और कार्ड का लुक ओवरव्यू कैसा है। उस सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। करने के लिए आपको सिंपली अपने अमेजोन एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। अमेजोन पे का एक आपको सेक्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के ऊपर आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड फिल एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। और इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 5% तक का आपको शॉपिंग करने पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप बिल या रिचार्ज पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे 2% तक का आपको कैशबैक देखने के लिए इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप फ्लाइट एंड होटल्स बुक करते हैं तो 5% तक का आपको कैशबैक मिल जाएगा। नियर बाई कोई भी स्टोर में अगर आप स्पेंड करते हैं तो 1% तक का आपको यहाँ पे कैशबैक देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद इसमें आपको 3 से 6 मंथ तक का आपको नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन इस क्रेडिट कार्ड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वेलकम रिवॉर्ड वर्थ 1500 रुपये प्लस 3 मंथ प्राइम मेंबर भी मुझे यहाँ पे फ्री दिया गया। अगर अभी ये ऑफर अभी चल रहा है, अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो आपको 3 मंथ का जो है प्राइम मेंबर आपको यहाँ पे फ्री दिया जाएगा। कोई रिचार्ज करते हैं, पहला रिचार्ज करते हैं तो 50 रुपये तक का आपको कैशबैक मिलने वाला है अकॉर्डिंग 50%। पोस्टपेड बिल पेमेंट करते हैं तो 25% अकॉर्डिंग आपको 200 रुपये तक का कैशबैक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मेंशन है, आप इजीली इसको यहाँ पे रीड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अप्लाई नो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद को यहाँ पे 3 स्टेप्स आपको कंप्लीट करना है। अब 3 स्टेप्स में आपको क्या क्या मिलेगा? पहला कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दूसरा पर्सनल डिटेल, तीसरा आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल। ये तीनों डिटेल्स आपको प्रॉपरली फिल करना है। इसमें आपको क्या फिल करना है? अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपके अमेजोन के साथ लिंक है, जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं, जो अमेजोन से अपना अकाउंट आपने क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी आप फिल करेंगे, जो आपका पर्सनल ईमेल आईडी है। उसके बाद आप कन्फर्म एंड प्रोसीड के बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप कन्फर्म एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो पहला स्टेप है हमारा यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो चुका है। यहाँ उसके बाद आपको दूसरे टैब पे रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए पैन कार्ड आपका लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, आपको स्टार्टिंग के 6 डिजिट अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है। पैन आपका जो डिटेल्स यहाँ पे फैच होके आ जाएगा, आपका कन्फर्म एंड प्रोसीड के बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको करंट एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले करंट एड्रेस जहाँ पे अभी आप प्रॉपर रह रहे हैं वो एड्रेस आपको प्रॉपर यहाँ पे फिल करना है। ऑफिस एड्रेस आपको प्रॉपर फिल करना जहाँ पे अभी आपका ऑफिस है वो। जैसे कन्फर्म एंड प्रोसीड के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो कार्ड फ्यूचर शॉपिंग सिक्योर एज पर RBI गाइडलाइन। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं अमेजोन के अंदर आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो सेव रहे, बार बार आपको मैनुअल डिटेल्स आपको फिल ना करना पड़े, तो उसके लिए आपको एज पर RBI गाइडलाइन है कि आपको इसको परमिशन देना पड़ेगा। तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब इस पेज में आपको यहाँ पे ध्यान से देखना, आपका पूरा नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, पैन कार्ड होगा, यहाँ पे आपसे आधार कार्ड पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, अपना पूरा आधार कार्ड नंबर फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है।
जैसे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, आधार के तरफ से आपको ओटीपी मिलेगा। ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना, जो भी आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको ओटीपी डिलीवर हुआ होगा, उस ओटीपी का आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स आ रहा है, अब यहाँ पे आपका नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको एक बार चेक कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आएगा, मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपने मदर का नाम आपको फिल करना है, फिल करने के बाद अपने फादर का नाम आपको फिल करना है। तो ये अपना पर्सनल डिटेल आप फिल कर लेंगे, उसके रेफरेंस में कोई भी फैमिली मेम्बर का एक आपको नाम यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सी वाले टैब में कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ये ऑप्शनल है, ये बैंक के लिए है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। एड्रेस एज पर आधार, जो आपके आधार पे जो एड्रेस है, एज पर आधार जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस आ चुका है। अगर आप उसी एड्रेस पे रहते हैं, यानी करंट एड्रेस आपका सेम है जो आपके आधार कार्ड में ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है इस बॉक्स में, अगर सेम एड्रेस पे आप रहते हैं तो यस करेंगे, नहीं रहते हैं नो करेंगे। अब यहाँ पे नो करने के बाद आपको मैनुअल अपना एड्रेस फिल करना होगा जहाँ पे अभी रह रहे हैं, उसके बाद ऑफिस एड्रेस आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना है, यहाँ पे आपको सैलरीड पर्सन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों रिफ्लेक्ट करेगा। अगर सैलरीड पर्सन है तो आप सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे आपके ऑफिस का एड्रेस पूछा जा रहा है, जो आपके ऑफिस का एड्रेस है जहाँ पे आपका ऑफिस है वो एड्रेस आपको प्रॉपर फिल करना है, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, पर्सनल ईमेल आईडी, दूसरा आपको ऑफिस ईमेल आईडी। तो यहाँ पे ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए आपको ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करवाया जाएगा आपसे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे ओटीपी आए तो आपको पर्सनल ईमेल आईडी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए एक पॉपअप आ जाएगा कि आपके ईमेल आईडी पे आपको जो ओटीपी है वो सेंड कर दिया गया है, तो उस पर क्लोज वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ईमेल आईडी अपना चेक कीजिए कि आपका जो पर्सनल ईमेल आईडी है उस पर ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी का आपको फिल करना है, इस बॉक्स में फिल करना है, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके क्लोज वाले यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारे पास पॉपअप आ गया है, आपका जो ईमेल आईडी है वो वैलिडेट हो चुका है, रिफ्लेक्ट होगा। अब ये कह रहा है कि जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो किस एड्रेस पर आप डिलीवर करवाना चाह रहे हैं, यानी कौन से एड्रेस पर आप क्रेडिट कार्ड रिसीव करना चाह रहे हैं। अगर ऑफिस वाले एड्रेस पे लेना चाह रहे हैं तो ऑफिस वाले पे क्लिक करना होगा, अगर आप जहाँ रह रहे हैं जो रेसिडेंशियल आपका एड्रेस अगर उस पे लेना चाह रहे हैं तो उस पे क्लिक करना होगा। कि क्या कह रहा है, नो फिजिकल केवाईसी रिक्वायर, यानी कोई फिजिकल केवाईसी नहीं होगा, ये वीडियो केवाईसी होने वाला है। आपको सिंपली क्या करना है, कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू के बटन पे आप क्लिक करेंगे कह रहा है कि आप अपना जो है ओरिजिनल पैन कार्ड अपने पास रखिए, यस इनिशिएट वीडियो कॉल पे आपको क्लिक करना है। दिखाई दे रहा है एक एक्सक्लूसिव जो ऑफर दिया जा रहा है कि आप ICICI के अंदर अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, डिजिटली आपका ऑनलाइन आपका ओपन हो जाएगा विद वीडियो केवाईसी के साथ। तो मुझे यहाँ पे ओपन नहीं करना है, तो नोट नो पे आपको क्लिक करना है। पे एक इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर सही होना चाहिए, दूसरा आपने ओरिजिनल पैन कार्ड अपने पास आपको कैरी करना है, तीसरा आपको यहाँ पे जो कह रहा है कि आप एक पैन और एक ब्लैंक पेपर आपको पैन रखना है, एक वाइट पेपर आपको रखना है, जिससे जो लाइव आपको जो वीडियो केवाईसी होगा वहाँ पे आपको लाइव जो है सिग्नेचर करा के वो कैप्चर किया जाएगा। ये तीनों चीज़ें आपको पास में रखना है। पास में रखने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। सर्च होगा, जो भी ICICI का जो एग्जीक्यूटिव अवेलेबल होगा उनके पास ये जो है कॉल कनेक्टेड होगा, उसके अपने एप्लीकेशन के अंदर अपने डिटेल्स फिल किया उसके रिलेटेड ही आपसे पूछा जाएगा। जो देखिए वीडियो का वैसे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अपने एप्लीकेशन का अगर आप स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है, अपना अमेजोन एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अमेजोन पे वाले टैब पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ऊपर आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड चेक स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे OTP आपसे पूछा जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, आपको OTP फिल करना है। OTP फिल करके आपको वेरीफाई करना है। तो